40 चल रहा भैया, बहुत लेट हो थर्टी वन। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो चलिए देख लो टाइम, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं कर लेता हूँ फटाफट से अपनी आईडी ऑन। आज यार, आज जो क्या कहें, ठंड इतनी ज़्यादा कटीली है, कटीली हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है पूरा शरीर को काट के रख देगा। फिर भी कोई नहीं, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मैंने ऊबर की आईडी ऑन कर दी है, रैपिडो भी कर ही देते हैं ऑन। रैपिडो ऑन क्या करना है, तो आ गया राइड फट से। चलिए इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आइए फर्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपने जोर शोर के साथ। 1.3 किलोमीटर की पिकअप है। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या ऐड ऑन करना है और क्या रिमूव करना है, वो भी आप लोग अगर चाहे तो गाइड कर सकते हैं, तो आप लोग सजेशन दे सकते हो हमें कमेंट में। वो रही हमारी पिकअप सामने में, 12207। पहले राइट की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, इनको ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमारी दूसरी राइड भी आ चुकी है। ओके तो हमारी दूसरी राइड जो है यार, ये तो गुड सिचुएशन हो गया। ये तो ये उल्टा है क्या, यहीं पे है दूसरी लोकेशन। देख लेते हैं, इनको कॉल कर लेते हैं एक बार। ये तो मैं यहीं पे हूँ, तुम बैठा यहाँ पे है। वन सेवन टू सिक्स। ओके डर यार, इसको पूरा तो करना कंप्लीट। 1.7 किलोमीटर जॉब लोकेशन में, चलिए चलते हैं दूसरी राइड को भी करते हैं फटाफट से कंप्लीट। ये तो सही हो गया यार, जहाँ पे ड्रॉप करी दूसरी ले क्योंकि तो वहीं से मैंने ले ली, हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ा। ऐसा मिल गया तो मज़ा ही आ गया। फिर क्या चलते हैं दूसरी राइड की ओर। ठंडी है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग ऑफिस बंद हो जाए। जब तक ऑफिस बंद नहीं होंगे हमारे राइड भी बंद नहीं होगी। ओके आगे में ये नेटवर्क नहीं है यहाँ पे शायद जियो का। चैप्टर 32 ये रहा स्कैनर। कितना हुआ, 29 31 तो गए। यहाँ पे नेटवर्क एरर आ चुका था हमारा, जिसके कारण से थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी हुई।
और कोई नहीं, चलिए देखते हैं। हमारी तीसरी राइड भी आ चुकी है। तो गाइस मेट्रो पे ना बहुत कन्फ्यूजन होती है कस्टमर को फंड करने में, अगर जरा सा मिस्टेक हो गया तो पूरा घूमना पड़ता है। गेट नंबर 1 इधर है, गेट नंबर 2 फ्लाईओवर के अंदर में, गेट नंबर 3 आगे में। अब देखते हैं हमारे राइडर कौन से किधर है। शायद यही हमारे राइडर है। भैया 9420 सेक्टर 32 पता है ना भैया? हाँ हाँ, यहाँ पे ना बहुत लोकेशन वो होता है। यहाँ पे बहुत सारे राइडर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेट नंबर इधर है इधर है, और जरा सा भी आगे होता है तो पूरा घूमना पड़ता है। तो चलिए गाइस आगे में से सिक्सटी यार हाथ लाल लाल। ओके, ये तो मेरे भैया का नाम आ गया यार। ये पंचायत भवन साना रोड 2.5 किलोमीटर, ये तो गलत बात है यार, इतना दूर फिर जाना है। सेक्टर 5 में फिर जाऊंगा फिर। अभी तो हमारे यही एरिया में इतने सारे राइड है भर भर के, तो मैं दूसरी राइड क्या ही लूँ। वेट करते हैं, थोड़ा देर मिल ही जाएगा अपने एरिया की राइड। सेक्टर 49 ले लगे हाँ, लेकिन इतने दूर पिकअप लोकेशन। चलिए कोई बात नहीं, वन पॉइंट 9 किलोमीटर। ये तो हमारे यहाँ की है। अब इनको लेट हो रही है तो देखते हैं ये अब आके पिकअप पॉइंट पे खड़े आके है या नहीं, या फिर हमें कॉल करना पड़ेगा। हाउस नंबर 560। ओ भाई किस नाम से भैया, किस नाम से राइड है? हाँ विनोद। अच्छा, मेरे को लगा कि एक ही दो राइड ना बुक कर लिया हो। अरे मुझे बोला कि लेट है, अभी कस्टमर यहाँ अवेलेबल नहीं है। वन फोर सेवन थ्री ग्लव्स क्यों नहीं पहनते हो वेदांत? और हॉस्पिटल आपने चुरा लिया? मैंने नहीं चुरा लिया। हाँ जी बैठ जी। किस राइड्स को भी पक्षे करते हैं, 5 किलोमीटर की राइड है, डिस्ट्रिक्ट बदली कंप्लीट होता है।
तो हमारी ये राइड हो चुकी है कंप्लीट, 10 बज चुके हैं, कंप्लीट उबर मोटो। और ये गोपी कहाँ पे है, एक घंटे हो चुके हैं हमें राइड करते हुए लगभग। अब देखते हैं ये गोपी जी हमें कहाँ मिलेंगे। चलिए गोपी जी को पिक करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 750 मीटर है। हाँ जी, हो रहा होता है। हाँ जी, बनाया है कुछ दिन पहले, विकास मार्ग 3 किलोमीटर है। तो चलिए फटाफट से इस राइड को ही कर लेते हैं कंप्लीट। एक तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो घुमा रहा था, मैं ऐसे हॉर्न बजा रहा हूँ, ठुक गया उसमें। हाँ जो वाला रीच ऊपर नहीं मिली, डाउन आई गेम ओके 38 आई एम कमिंग अप। यहाँ सर आ गए, QR कोड आ गया। हाँ जी, अरे काट ले, 10 सिटीस्केप। ओके थैंक यू। तो चलिए भाई, हमारे फिलहाल शायद 5 राइड हो गई है 1 घंटा 13 मिनट में। हमारी अर्निंग 250 रुपये हो गई है आसपास, 250 के आसपास में। इसी तरह अगर हमें हर घंटे अर्निंग होते रहे तब तो भाई जॉब करने जाऊँ ही नहीं कभी। फिलहाल अब वेट करते हैं एक और राइड आने का, तब तक मैं हम ऊबर भी ऑन, ऊबर तो ऑन ही है। आइए रैपिडो भी ऑन कर लेते हैं। यार रैपिडो का बड़ा बुरा हाल है, एक तो ये कमीशन ज़्यादा काट लेता है, पिकअप भी दूर दूर भेजता है। तो ठीक है हमें क्या, चलिए वेट कर लेते हैं कस्टमर का। लगभग आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद हमें फिर से एक और राइड मिल चुकी है, जो कि देख सकते हैं हमें इतना घूम के जाना पड़ेगा। ये मैप में दिखा रहा है कि पूरा अगर देखे गौर से घूम के जाना पड़ेगा, ऐसे रास्ता ही नहीं है। चलिए चल लेते हैं। तो मैडम जी आ रही हैं, मैंने कर दिया कॉल रोमा। ओके 2640 चले। तो मैडम जी ने भी हेलमेट नहीं पहना था, तो पुलिस वाले ने हमें रोक लिया।
और पुलिस वाले यार दिल के अच्छे थे, उन्होंने बोला हेलमेट पहना दीजिए उनको पहनने के लिए, मतलब उन्होंने बोला पहनने के लिए हेलमेट, मतलब उन्होंने चलाना नहीं काटा, यह सबसे बढ़िया आप है। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने हेलमेट तो सुना, हमने हेलमेट तो पकड़ा दिया था, और उन्होंने नहीं पहना तो मैं बार बार देख फिर सकता हूँ कि पीछे मुड़ मुड़ के उन्होंने हेलमेट पहन के रखा या फिर निकाल दिया है। अभी 29 आ गए। ले रहा हूँ भैया, ओके मैम। इसमें हम आप लोगों की वीडियो बनाते हैं, हाँ जो रास्ते में चलते हैं ना उसी की। क्या हो गया? पूछ रहे हैं इसमें क्या करते हैं, तो वीडियो बनाते हैं हम। हाँ जुगाड़ वरिया है, तो भैया हमारे एक मिल गए हैं, तो मैं इनको अपने चैनल्स दे रहा हूँ। मैंने खुद से कर दिया सब्सक्राइब यार, ये देख लो इसमें आएगी हमारी वीडियो, कल आपकी भी आ जाएगी, कल इसमें आपकी भी वीडियो आ जाएगी। हाँ ओ भाई साहब ये तो चमत्कार ही हो गया, ये और राइड आ गए मेरे। सेक्टर 69 जाने को बोला यार, 25 नहीं यार, ये फ़ायदा का नहीं है, जो अपना फ़ायदे का सौदा नहीं है उसको हम पिक नहीं करेंगे, घर की तरफ जाएंगे मस्ती करेंगे। मैं कोई ज़रूरत नहीं है लंबी लंबी राइड लेने की, लेंगे छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी राइड लेंगे। ओके ये अब राइट तो 11 तो बज चुके हैं, 2 घंटे हमने काम करी है लगभग, तो 2 घंटे में हमारी अर्निंग हो गई है 272 रुपये, जो कि चलो एक तरह से ठीक ही है, 272 रुपये 2 घंटे में हो गए हैं, गाड़ी हमारी चल गई है 30 किलोमीटर। तो चलिए एक राइड और आ गई है, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक और राइड आ चुकी है, जिन इनको जाना है सेलिब्रेशन मॉल, शायद मूवी देखने जा रहे हों या शॉपिंग करने जा रहे हों, पर हमें क्या, हमें तो छोड़ना है, तो चलिए आके छोड़ देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं पे है, ये हम आ रहे हैं उनके पास में। बस 200 मीटर की दूरी दिखा रही थी, शायद वो यहीं पे हो। ओटीपी सर, तो गाइज हमारी 3 घंटे राइडिंग हो चुकी है कंप्लीट, और हमारी अर्निंग हो गई है 308 रुपये, जबकि हमने 1 घंटे 13 मिनट में ही 242 रुपये अर्न कर लिए थे, और बाकी 50 रुपये करने हमें और 1.5 घंटे लग गए। तो ये होती है पीक आवर और नॉन पीक आवर की कहानी। तो चलिए अब फ़िलहाल चलते घर, तब तक के लिए।